क्यों? उन्होंने कहा कि अगर जाति समाप्त करना है तो सबसे पहले वेदों शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। तो मैं मोदी जी से पूछता हूँ या बीजेपी से पूछता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श को एक तरफ मानते भी हैं और दूसरे तरफ डॉक्टर अंबेडकर की ये भी स्थिति थी और वो सनातन से निकल करके बाहर हो गए थे कि नहीं हो गए थे, बौद्ध बन गए थे कि नहीं बन गए थे, खड़ा होकर के डॉक्टर अंबेडकर का विरोध कर पाते हैं क्या ये लोग? नहीं कर पाते हैं, इसलिए वोट का लालच है। अगर ये दलित तो पिछड़ा जाग जाए तब हम देखते हैं कि इनकी सनातन धर्म की कहां परिस्थिति है। आप ये बताइए, हम सनातन धर्म में हैं कहां, हिंदू धर्म में हम हैं कहां? आरक्षण हमारा छीन लिया, जमीन हमारे पास है नहीं, छुआछूत अभी भी है, अत्याचार हमारा भी है, हमारे पास संसाधन नहीं, हम दुकान नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, व्यवसाय नहीं है, या मीडिया में दलित नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम कहाँ? जागृति जितना हुई है उससे ज़्यादा बंटवारा हमारे समाज में हुआ, उससे ज़्यादा एनजीओ बन गए, उससे ज़्यादा संगठन बन गए, उससे ज़्यादा जाति का संगठन खड़ा हो गए और हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए और इतने बड़े समाज की ताकत कमजोर हो गई, इसलिए हम अपना आरक्षण नहीं बचा पाए। अरे ये तो हमारे रामू शक्ति है, हमारे सहयोगी हैं, ये पूरा नहीं था, फौड़ा लेके पहुंच गए, भूखे रहे, जेल में भी गए, मर भी गए। अगर एक चपरासी वहां से निकाल लिया हो समाज के लोगों ने तो मुझे बता। अभी एक बात हुई, आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को पता होगा बहुतों को, ये जो सनातन धर्म पर जो चर्चा हो रही है आप लोगों को पता है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है? अब मैं इसके लिए इसके बारे में 2 मिनट आपका समय लूं। 1981 में मद्रास चेन्नई को तमिलनाडु को पहले मद्रास का, तब वहां पर जस्टिस पार्टी बनी, क्यों? वहां के असेंबली में 2% ब्राह्मण थे, आबादी 2%, लेकिन 100% एमएलए एमपी उस समय की जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ कि जिसकी आबादी 2% 1% 100% विधानसभा में या जहां भी चुनावी इकाइयां थी संस्थान थे वहां, तब वहां से आंदोलन उठा। और आप जानते हैं अभी तो उदय नीतीश स्टालिन ने कुछ नहीं कहा, उस समय राम की मूर्तियां, सीता की मूर्तियां, हवन सामग्री, माला, नारियल सबको इकट्ठा करके भेजा, उसकी होली जलाते थे और वहां के लोगों को कहते थे देख लो अगर शक्ति है तो कुछ कर ले। तब जाकर के बैकवर्ड का राज तमिलनाडु में आया। इतनी ऐसी बात भी तो उदय नीतीश स्टालिन ने नहीं कहा, उदय नीतीश स्टालिन ने इतना ही कहा कि ये मलेरिया जैसे, डेंगू मलेरिया जैसे एक बीमारी है सनातन धर्म, जो ऊंच नीच जात पात को पैदा करता है, अछूत पैदा करता है, नीच पैदा करता है। अब इस पर क्या हुआ? इंडिया का गठबंधन बना हुआ है, उनको घेरा गया, ये बयान दे वो बयान दे। ये द्रविड़ियन कल्चर तमिलनाडु में आज से नहीं बहुत पहले से होता रहा और यहां तक होता रहा कि देवी देवताओं की मूर्ति
मूर्तियों की होली जलाई जाए। तो भाई उनका कल्चर है बहुत पहले का रहा, इसमें ऐसा बवाल। फिर हमने क्या किया, फिर प्रधानमंत्री गए इंडोनेशिया गए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को कहा कि सख्ती से सनातन पर जवाब दे, मतलब कि माहौल खराब करें तल को पिछड़ों के बीच में जाए कहीं देखो। अरे ये तो हिंदू धर्म खत्म हो रहा है, कोई जाके कहेगा अरे ये जीवन का मतलब ही कहाँ रह गया जब तुम्हारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। कोई ये कहेगा अरे ये जीवन में क्या रखा होगा, अब भड़काएंगे दलितों को भी पिछड़ों को भड़काएंगे। कुछ जातियां भड़कती हैं जैसे खटीक हैं वाल्मीकि हैं, अब तो कम हो गए लेकिन और जातियां भड़क जाएंगी। और बैकवर्ड ने तो खैर ठेका भी ले रखा है। तो ये भी कहेंगे अरे सनातन हमारे सनातन को आठ पौधे सरकार क्या है। मैंने अभी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री ने जब यह कहा कि सख्ती से जवाब दिया, हमने कहा सनातन पर बहस के लिए मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं और पत्र लिखा। और आपने देखा होगा कि तमाम अखबारों और टीवी चैनल में चल रहा है दो दिन के जी 20 ना होता तो मैं वही हूं। आइए भाई सनातन पर चर्चा करते हैं। नीच है, अछूत, सनातन से क्या जाति अलग हो सकती है? सनातन की जाति आत्मा है। और बाबा साहब डॉक्टर ऑफ संविधान में आया होता तो आज भी हम लोग गांव के किनारे रहते। मैं भी गांव से पैदा हुआ हूं, मकान पक्का की बात छोड़ दीजिए, इसके लिए सनातन जिम्मेदार नहीं है। तो सनातन ही तो जिम्मेदार है। अब लाठी लेकर के हम ये लोग भी लाठी लेकर के सनातन के पास भैया आप। दूसरी बात है जब मंडल पिछड़े जातियों को आरक्षण मिला तो विरोध कोई ईसाई किया कि मुसलमान किया? उन्होंने तो नहीं किया ना, विरोध तो सवर्ण समाज और समर्ण समाज ने किया, बीजेपी ने किया। तो क्या बैकवर्ड सनातनी नहीं है? फिर 52% को जब लाभ आरक्षण मिला तो उसका आपने विरोध किया तो आप 52% को हटा दीजिए सनातन से। नफरत तो आपने किया, किसी ईसाई ने तो विरोध नहीं किया, किसी मुसलमान ने तो आरक्षण का विरोध नहीं किया था। कैसा सनातन वोट लेने के लिए सब सनातन जब अधिकार सम्मान लेने के लिए तो सब पाछी जमात खटी धोबी डोम कहीं डोम पकवान क्या हो जाते तब सनातनी नहीं रह जाता। अभी तो अच्छा लगा कि एक दो लोग यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, ये समेंद्र जी हैं मंच संचालक हैं। आप लोग भी वो मेरा ट्विटर पर फेसबुक पर कई चैनलों में यूट्यूब वालों ने बहुत लिया है, अभी चल ही रहा है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि सनातन के ऊपर बहस करने के लिए हम तैयार, आप सनातन में हम हैं कहां खड़े। अरे रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, ये जब गए पुरी के मंदिर में दर्शन करने, इनके साथ अपमान किया गया। जब राष्ट्रपति के लिए भी सनातन में जगह नहीं है तो दलित पिछड़े उस सनातन में रहेंगे क्यों? बाबा साहब ने 1936 में कहा हिंदू धर्म के जो वेद शास्त्र हैं इनको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। बाबा साहब ने 1936 में कहा था। क्यों? उन्होंने कहा कि अगर जाति समाप्त करना है तो सबसे पहले वेदों शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। तो मैं मोदी जी से पूछता हूँ या बीजेपी से पूछता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श को एक तरफ मान
मानते भी है, और दूसरे तरफ डॉक्टर अंबेडकर की ये भी स्थिति थी और वो सनातन से निकल करके बाहर हो गए थे। हो गए थे कि नहीं हो गए थे? बौद्ध बन गए थे कि नहीं बन गए थे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति उच्छेद में लिखा हिंदू बीमार है, ये बीमारी है, ये जो इनके पास जाता है वो बीमार हो जाता है, दुखी हो जाता है। ये भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। तो आप डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ खड़े होने की इनकी हिम्मत है क्या? खड़ा होकर के डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर पाते हैं क्या ये लोग? नहीं कर पाते हैं, इसलिए वोट का लालच है। अगर ये दलित तो पिछड़ा जाग जाए तब हम देखते हैं कि इनकी सनातन धर्म की कहां कहां परिस्थिति। तो यह चर्चा आप भी करिए कि भाई सनातन पर हम चर्चा करने को तैयार है। आप ये बताइए हम सनातन धर्म में हैं कहां, हिंदू धर्म में हम हैं कहां? आरक्षण हमारा छीन लिया, जमीन हमारे पास है नहीं, छुआछूत अभी भी है, अत्याचार हमारा अभी भी है, हमारे पास संसाधन नहीं, हम दुकान नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, व्यवसाय नहीं है, या मीडिया में दलित नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम कहाँ इस यह करने के लिए, यानी इससे लड़ने के लिए 2 या 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं है, उसके बाद चुनाव आ जाएगा। उसके पहले अगर एक बड़ी रैली हो जाती, जो हमने रैली 97, 98, 99 और 2000 में किया था, तो डर जाएंगे और संविधान को नहीं बदलेंगे। ये नहीं बदलेंगे संविधान। और टेलीविजन देखना बंद कर दीजिए। टेलीविजन अगर आपको देखना है तो मनोरंजन देख लीजिए, सीरियल, खबर तो देखना ही नहीं है, अखबारों को तो पढ़ना ही भूल दीजिए। आपको फेसबुक पर जाइए, मोबाइल पर रहना है। अगर समाचार देखना ही है तो केवल मोबाइल पर काम की चीज वहाँ पर मिल जाएगी, नेशनल दस्तक मिल जाएगा, 4 PM मिल जाएगा, बहुत तरह के हैं, इन्होंने सब में मेरा इंटरव्यू लगाया है, चल रहा है, तो आप चाहोगे तो मिल भी जाएगा, डॉक्टर ओम सुधा जी हैं बता भी देंगे। तो साथियों सनातन के ऊपर जो बहस की चुनौती प्रधानमंत्री ने दिया है, आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? मैंने तो कर लिया है आपके बिहार से। और ये हरदोई की धरती में सोच अच्छी है। एक समय था जब राहुल जी थे, शिवशंकर जी थे, और बड़ा कैडर कैंप यहाँ चलता था, सैकड़ों कैडर कैंप चले हैं यहाँ पर, दीवाले पुती रहती थी कठेरिया जी। और एक बात मैं और बताऊंगा, भैया आप कठेरिया समाज के नेता जरूर होंगे, लेकिन मेरा एक आपसे अर्ज है, और सबसे अर्ज है, कोई पासी मदारी भी है यहाँ पर अभी? तो भारती जी, ये हमारे लिए इस समय सबसे ज्यादा घातक है, सुनकर के आपको तकलीफ होगी। जागृति जितना हुई है उससे ज्यादा बंटवारा हमारे समाज में हुआ, उससे ज्यादा NGO बन गए, उससे ज्यादा संगठन बन गए, उससे ज्यादा जाति का संगठन खड़ा हो गए, और हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए, और इतने बड़े समाज की ताकत कमजोर हो गई, इसलिए हम अपना आरक्षण नहीं बचा पाए। भले कठेरिया समाज आप चलाते हो, जाति की पंचायत आज से नहीं हजारों वर्ष से होती थी, आज रजिस्ट्रेशन होता है, आज संगठन का नाम दे दिया जाता है। पहले के जमाने में कुम्हार या चमार या खटीक या ब्राह्मण या ठाकुर, चाहे 1000 वर्ष हो चाहे 500 वर्ष, हर जात की अपनी पंचायत होती थी कि नहीं होती थी? उसका रूप अब ये ले लिया है। तो भाई पंचायत में जाति की चर्चा होती है, खाने पीने की चर्चा होती है,
कभी कभी ये होता है कि मेरा हक मान लिया, किसने मान लिया, चमारों ने मान लिया, लड़ जाओ आपस में, ये भी होता है। तो आप आपस में लड़ते रहो तो सारा आरक्षण ही खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर दोगे, तो बांटोगे क्या, लड़ोगे किस बात के लिए, यही हो रहा है ना। तो भले आप कठेरिया समाज चला रहे हो, पासी समाज चला रहे हो, लेकिन अपनी औलादों के लिए, अपने लिए, अधिकार और सम्मान के लिए, अपना अहंकार छोड़ करके, मेरा अपना कोई संगठन नहीं, परिसंघ संगठनों का संगठन, 5 नवंबर को अगर सब इकट्ठा हो जाए तो हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं।